तो हेलो गाइस, आप सभी को प्रणाम नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो गाइस, दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी आप सबको सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि गाइस टाइम का बहुत इशू है गाइस। मतलब हम चाहते हैं कि हर हफ्ता नहीं तो कम से कम हर 7 दिन 8 दिन बीच करके आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाएँ, लेकिन एकदम समय नहीं मिल पाता। जैसे कल ही आप देख लीजिए, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि कल हम लोग क्लास में बैठे रहे तो अचानक से हम लोग यहाँ ड्यूटी भेज दिया डाल्टनगंज। तो अभी हम वैसे हम लोग का कमान वमान कर चुके हैं, हम लोग अभी ड्यूटी जाने ही वाले थे, लेकिन एक भाई कमेंट करते हैं, एक भाई क्या मतलब बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि सर बुक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए, बुक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो सोचे कि भाई क्यों ही अपनी जनता जनार्दन को अपने भाई लोग ऐसा परेशान करना। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, हम लोग रुकने के लिए दिया गया उसके छत पर, वहाँ पर आकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा अगर बैकग्राउंड कुछ साउंड वाउंड को इशू होगा तो प्लीज़ गाइस मैनेज करिएगा, क्योंकि हम इससे बेटर प्लेस हमको कोई नहीं मिला, और जगह हल्ला हो रहा था, भीड़ वगैरह था, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। खैर कोई नहीं है, चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो गाइस, आप लोग का जो बुक्स वगैरह होने वाले हैं, देखिए मार्केट में बुक्स तो बहुत हैं, तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है, हर किसी के मन में सवाल आता होगा। लेकिन गाइस पढ़ना वही है जो आप सबके लिए इफेक्टिव हो और जिससे आपको कम समय में थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो गाइस अब बात करते हैं बुक्स की। तो जो आपका सबसे जो मेन टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान, क्योंकि अगेन आप झारखंड पुलिस बनने वाले तो आपको आपके झारखंड के बारे में पूरा नॉलेज पूरा सब कुछ रहना चाहिए। तो भाई देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए अपने पास दो किताबें, मतलब हम लोग दो किताबें पढ़ सकते हैं। एक मनीष रंजन का आता है झारखंड सामान्य ज्ञान करके, लेकिन वो काफ़ी बल्कि हो जाता है गाइस, मतलब वो JPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, JPSC वगैरह, JPSC सचिवालय, उन सब लोगों के लिए है। तो अगर आपका बेस एकदम मतलब ना के बराबर है, थोड़ा कमज़ोर है, तो आप इस बुक खरीद सकते हैं अपना बेस क्लियर करने के लिए। अगेन हम नाम बता दे रहे हैं, मनीष रंजन का झारखंड सामान्य ज्ञान। और अगर आपका बेस थोड़ा सा भी क्लियर है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा मीडियम टाइप का क्लियर है, तो आप लूसेंट ले सकते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो ये दोनों किताबों के बाद गाइस अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का MCQ प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का। ऐसा कुछ है ये नहीं है, कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन नहीं है कि इसका बढ़िया है इसका बढ़िया है, आप जिसका चाहें वो पब्लिकेशन का ले सकते हैं MCQ प्रैक्टिस सेट। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सिलेबस का जो है GK GS। तो गाइस उसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, इफेक्टिव भी है वो आपके लिए। कम समय में अगर आपको पढ़ना अच्छा पढ़ना है तो आप घटना चक्र ले सकते हैं GK GS के लिए। देन उसके बाद लूसेंट भी आप ले सकते हैं, एक लूसेंट जो हमने पहले बात की झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए वो अलग है, और ये लूसेंट अलग है गाइस GK GS के लिए, जो मार्केट में आता होगा। और ये दो टाइप में आता है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। तो मेरे दृष्टिकोण से देखें, हम जहाँ तक आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सब्जेक्टिव लीजिए, सब्जेक्टिव में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया और आपका जो बेस हल्का फुल्का भी जो है वो आपको क्लियर कर देगा, एकदम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है रीजनिंग। तो गाइस रीजनिंग हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सेल्फ स्टडी करिए, घर पर ही पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए, उतना कुछ खास उतना ज़्यादा कुछ खास रीजनिंग होता नहीं है गाइस। आप चाहें तो घर पर भी पढ़ के आराम से कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप अपने आसपास के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं 5-10 दिन के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके बेस क्लियर कर देंगे, और फिर आप घर पर प्रैक्टिस करिए। इससे ज़्यादा अच्छा रीजनिंग का कवर अप और कुछ नहीं हो सकता है। तो गाइस आप बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए गाइस आप RS अग्रवाल का 10th तक का कंपाइलेशन आता है, कंपटीशन लेवल का, आप वो ले सकते हैं। मेरे नज़रिए से, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, वरना फिर आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। SSC GD लेवल का जो मैथ्स है वही उसी के आसपास आपसे पूछा जाता है, तो उतना भी कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक सा ही मैथ्स है गाइस, 10th लेवल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स गाइस आप चाहे तो मंथली ही पढ़ सकते हैं, वरना जब एग्ज़ाम आपका आएगा, जब फॉर्म निकलेगा और आपका जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा, तो उस टाइम एक कंपाइलेशन आता है पूरे साल का या पूरे महीने का एक बुक करके, तो वो भी आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। वरना आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए और झारखंड रिलेटेड न्यूज़ देखिए, उसमें वो सारा आपको कवरअप हो जाएगा। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि ये चीज़ पूछ सकता है, ये चीज़ आ सकता है, तो उसको आप नोट डाउन करिए और देन एग्ज़ाम के टाइम उसको रिवाइज़ करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी गाइस वही आपका बेसिक सब पूछा जाएगा, नॉर्मल जो आपका सिलेबस नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब ये सब वगैरह होते हैं वो सब पूछे जाएंगे, तो उतना ज़्यादा कुछ हार्ड होने वाला है नहीं गाइस। तो आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बुक्स को लेकर के। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको क्लियर करने का अपना पूरा कोशिश करेंगे अगर आप लोगों को समय मिलता है तो। और आप लोग के लिए समय निकाल लेंगे गाइस, थोड़ा बहुत चिंता मत करिए, आज हम लोगों ने निकाल लिया, बस आप थोड़ी ये बैकग्राउंड और साउंड जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा मैनेज करिएगा, बाकी सब बढ़िया है।
तो गाइज़ ये था अपना बुक्स के ऊपर वीडियो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि सर बनाइए सर बनाइए। फाइनली भाई बना दिए हैं। जिसको भी आपने जैसे वैकेंसी वाले वीडियो को प्यार दिया, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए गाइज़। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो जो करने वाले हैं या जो जो बुक्स के बारे में आपसे पूछ रहे थे, उन सबके साथ शेयर करिए। और अगला वीडियो हमारा जो होगा वो हम लोग का रनिंग के ऊपर होगा, फिजिकल के ऊपर होगा, कि कैसे रनिंग की तैयारी करें, कैसे अपना प्रिपरेशन करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, किस अपने लेग के या लोअर बॉडी के पार्ट के ऊपर किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, ऐसे वगैरह वगैरह। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में एकदम सब कुछ विस्तारपूर्वक। गाइज इन सब के अलावा हम ब्लॉग्स भी बनाते हैं, डेली ब्लॉग्स बनाते हैं गाइज। अगर आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक बार मेरे ब्लॉग भी चेकआउट करिए। हम रोज़ ब्लॉग डालते हैं इसी चैनल पर। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको दिखाइए कि पुलिस लाइफ कैसा होता है, उन लोगों का निजी ज़िंदगी कैसा होता है। तो बस इसी के साथ मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय और जय हिंद।